ये धैर्य कहाँ है? क्या उसे पता नहीं चल रहा है कि संतोषी इस तरह हमें कमरे में बंद कर रखा है? माँ मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं संतोषी ने धैर्य के ऊपर कुछ कर तो नहीं दिया, इसलिए शायद धैर्य का ध्यान हम पर से हट गया है। सही कह रही है तृष्णा, हमें जल्दी से कुछ करना होगा, किसी भी तरह हमें यहाँ से निकलना होगा, किसी भी तरह ये लॉकेट हमें धैर्य को पहनाना होगा। लेकिन पहनाओगी कैसे? पहले तो हमें इस कमरे से बाहर निकलना होगा। कोई है? कोई हमें निकालो यहां से। धैर्य, धैर्य तुम्हें सुनाई दे रहा है? हमें यहां से निकालो प्लीज धैर्य। असुर राज ने जो क्षणिक शक्ति हमें दी है उसे हम अपनी भक्त को देंगे। कोई है? हमें निकालिए यहां से। कोई है यहां? कोई है? ये तो तुमने कमाल कर दिया, हम तो यहीं से बाहर जा पाएंगे। बेटा थोड़ा और खींचो। कृष्णा, अब तुम्हारी मुक्ति में कोई बाधा नहीं आएगी। चलिए हम यहां से भाग जाते बा। चलो लड्डू के भैया, अंगूर ये कुछ ज्यादा हो रहा है। लड्डू के भैया, बेबी तुमने लाइट क्यों ऑन कर दी यार? तुम यहाँ हो तो रजाई में कौन? कंबल के अंदर मैं हूँ सेठ जी। I like it. Ah, God. जो दुनिया में मेरी सबसे प्यारी चीज छीनने की कोशिश करेगा उसकी सारी दुनिया मैं खत्म कर दूंगी। उनका एक्सीडेंट हो गया था। अभी यही बताने आपको यहाँ लाए ताकि अबीर मामा से मिल भी लो। पर तूने तो कहा था कि वो दिल्ली में है, वो आने वाला है। बाबा आ गए? पुलिस ने जरूर उस विजय से पैसे लिए होंगे। अभी जूनियर इंस्पेक्टर का फोन आया था, कोई कौशल है जिसके सीसीटीवी हैक होने के नाम पर वारंट निकाला गया है। पर तू चिंता मत कर, मैं उस विजय को सजा दिलवा कर ही रहूंगा। अब पापा, मैं निक्की के घर जा रही हूँ, वो उसका कॉल आया था, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। आपने जो कुछ भी कहा है वही करूंगी। आपने जो रास्ता दिखाया है
साम दाम दंड भेद उसी की नीति अपनाऊंगी और ये बड़ों को अपने घर की खुशियों से दूर रखूंगी। फिर उसके लिए मुझे चाहे कठोर से कठोर कदम उठाना पड़े, जो संभव कोशिश होगी मैं करूंगी।